देश की सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में एक बार फिर कांग्रेसी विधायक संजय शुक्ला द्वारा बीजेपी व जिला प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए नगर निगम कर्मचारियों के हितों की मांग रखते हुए 10,000 नगद राशि देने की मांग की है। इंदौर सहित प्रदेश में कांग्रेस सरकार जाने के बाद से ही कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी व विधायक बीजेपी सरकार व उनसे जुड़े जिला प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर के स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर वन का तनखा आने के बाद फिर एक बार पक्षपात का सांसद विधायक संजय शुक्ला ने आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पिछले दिनों जब एयरपोर्ट से लेकर राजवाड़े तक जुलूस निकाला गया तो उस जुलूस में किसी भी कांग्रेसी कार्यकर्ता या जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया और देर शाम हुए नगर निगम कर्मचारियों के सम्मान समारोह में भी कांग्रेस को दूर रखा गया। लेकिन भविष्य में 2023 में कांग्रेस की सरकार आएगी जब उन्हें बताया जाएगा कि पक्षपात क्या होता है। खैर, ये पहला मौका नहीं है कि कांग्रेसी को इस तरह से सर्जरी कार्यक्रमों से दूर रखा गया हो और इससे पहले भी कई बार कांग्रेस और उनके विधायक इस बात का आरोप लगा चुके हैं। जो आयोजन हुआ उसमें पूरा भाजपा में हुआ, इस तरह से भाई देखिए, इंदौर नगर निगम कर्मचारी के द्वारा उनको मजाक बनाया जा रहा है। वो जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 4,000 शहर होने के बावजूद हमारे सफाई मित्रों द्वारा इंदौर शहर को लगातार पांचवी बार नंबर वन बनाया, उसके माध्यम से कल पहली बार मेरी घोषणा के बाद उनको तत्काल उनको लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं श्रेय ले जाऊँ, परंतु मुझे श्रेय नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए सरकार द्वारा या नगर निगम आयुक्त द्वारा या कलेक्टर साहब द्वारा या ऐसा उन लोगों को सम्मान किया जाए जैसा आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा था। कमलनाथ जी ने हर जितने कर्मचारियों सबके 5,000 रुपये उनके खाते में डाले थे। मेरी तो ये घोषणा थी कि मैं सबको 10,000 रुपये दिए जाए, परंतु कल इन्हें तत्काल परसों घोषणा करके इंदौर के कर्मचारी को बुलाकर सम्मान समारोह रहा, उसके अंदर जो स्वेटर बांटे हैं, जो कोट बांटे हैं, वो बरसात में हमेशा दिए जाते हैं और ठंड के अंदर हमेशा स्वेटर दिए जाते हैं, ये पुराने रखे हुए थे और उनके साथ मजाक किया, ये तो उनको देना ही था। इन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को लोगों को खुश करने के लिए काम किया, कल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, उसके अलावा कांग्रेस के विधायक आदरणीय विशाल पटेल जी हों या जीतू पटवारी जी हों या मैं हूँ, हम किसी को नहीं बुलाया। ये सिर्फ अपना हम लोग किसी को ना बुला के आम जनता का साथ अपमान किया जा रहा है, वो कर्मचारी का अपमान किया जा रहा है, वो कांग्रेस पार्टी का अपमान नहीं है, ये शहर की आधी जनता का अपमान है। क्यों? जनता ने हमको चुना, जनता हमारी भगवान है, तो ये लोग हमको नहीं बुला रहे, इसलिए नहीं बुला रहे ये कांग्रेस के लोग हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ सब हम एक साथ हैं, भले कांग्रेस हो या बीजेपी हो। आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि इंदौर के अधिकारी को और भारतीय जनता पार्टी लोगों को समझाएं, क्योंकि वो सिर्फ अपने वालों लोगों को बुला के भारतीय जनता पार्टी काम कर रहे, वो अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, उनको सबक सीखना चाहिए कि अगली सरकार 23 हमारी आएगी, हम जब आपको बताएंगे क्या होता है। हमने कभी आज तक भेदभाव नहीं किया, भले कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हम सबको साथ मिलकर चले, आदरणीय कमलनाथ जी हो या हम हो या कोई भी हो, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग और अधिकारी लोग यहाँ पक्षपात कर रहे हैं, इसका हम विरोध करते हैं। और कभी उन्होंने हमारे इंदौर सफाई मित्रों का सम्मान नहीं किया तो 4 दिन हम हमारी घोषणा करेंगे, हम हमारी तरफ से देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या यहाँ के प्रशासक कोई काम नहीं कर रहे हैं और ये झूठा उनका मजाक बनाया जा रहा है, तो उसका हम विरोध करते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या हम जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हम 4-4 लाख लोगों का नेतृत्व करते हैं, आदरणीय विशाल पटेल जी, जीतू पटवारी जी, हम एक को नहीं बुलाया ना, जिस दिन इंदौर शहर में आदरणीय इंदौर में संसद महोदय सम्मान लेकर ना उसने बुलाया, ना राजबड़े बुलाया, ना कल जो सम्मान किया ना उसने बुलाया, हमको कोई मान सम्मान की जरूरत नहीं है, हमको तो वो चाहिए जनता का। और हमारा जो कर्मचारी मित्र भाई लोग हैं जिन्होंने लगातार इतना अच्छा काम करा, उनका सम्मान होना चाहिए, ये उनके साथ मजाक कर रहे हैं और इंदौर की जनता का मजाक हो रहा है और देश के अंदर इंदौर का अपमान हो रहा है। झूठ बोला जा रहा है, किसी को नहीं बुलाया गया, हम जैसे विधायक को नहीं बुलाया, हमारे देखिए, जिन प्रशासन द्वारा हम जैसे विधायक को नहीं बुलाया तो उनको कैसे बुलाएंगे, क्योंकि उन लोगों को नहीं बुलाया, कांग्रेस के एक नेता को नहीं बुलाया, एक कार्यकर्ता को नहीं बुलाया, हम संसद को नहीं बुलाया, इंदौर शहर के अध्यक्ष को नहीं बुलाया, उन्होंने जिला अध्यक्ष को नहीं बुलाया, हमारे तीनों विधायक को नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया, ये तो सिर्फ अधिकारी वाला झूठ बोला जा रहा है कि हम कांग्रेस को बुलाया, जिसको भी बुलाया होता हम क्यों नहीं सम्मान में जाते। तो ये लोग जो वहाँ पर पहुँचे थे, ये क्या अपनी मर्जी से पहुँच गए थे बिना इन्विटेशन के? मुझे तो ये लगता है कि इन्विटेशन किसी को दिया ही नहीं, हमको बुलाया ही नहीं ना, हम जैसे विधायक को नहीं बुलाया, इंदौर के हमारे शहर अध्यक्ष ने बुलाया, जिला अध्यक्ष ने बुलाया, कांग्रेस के एक नेता को रोहित ने बुलाया, तो ये किसी को नहीं बुलाया इनने। मुझे लग रहा है कि संजय बाबू महापौर बनने की बहुत जल्दबाजी में है और इसलिए इस तरह के उलझुल बयान वो जारी करा करते हैं,
और मुझे लग रहा है कि ये तो सफाई मित्रों का सम्मान समारोह था जिन्होंने इंदौर शहर को 5 बार गौरव दिलाया है, तो इसमें तो किसी को पीले चावल की ज़रूरत नहीं थी और ना ही नोतने और नोते बुलबे का इंतज़ार क्यों करना था। मुझे लग रहा है कि वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष मंच पर मौजूद थी, कांग्रेस पार्टी के जितने पार्षद हुआ करते थे वो सब मंच पर थे, और इस समय तो चूंकि नगर निगम में चुने हुए जनप्रतिनिधियों का कोई अस्तित्व नहीं है, नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हो गया है, ना महापौर है ना पार्षद है, तो ये सारे लोग भी स्वेच्छा से गए थे क्योंकि इनको लगता था कि सफाई मित्रों के प्रति अपना सम्मान प्रकट करना है, तो बगैर किसी बुलावे बगैर किसी नौते के भी जाया जा सकता था। तो मुझे लग रहा है कि संजय शुक्ला जी को इसको मान प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए, और अगर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष जो रही हैं एक समय वो जा सकती हैं, कांग्रेस के पार्षद जा सकते हैं, तो संजू बाबू को भी अहंकार की मेहंदी पाँव से पोंछ कर चल पड़ना था और सफाई मित्रों के सम्मान में जाकर शामिल हो जाना था। अगर उनको लगता है कि नोते बुलवे से ही आएंगे तो अगली बार से हम उनके दरवाजे पर बधाइयाँ भी बजवा दिया करेंगे, तो हम लोग ढोल तमाशे लेकर पहुँचा देंगे और पीले चावर भी पहुँचाएंगे और बधाइयाँ गाने वालों को भी पहुँचाएंगे कि आओ राजा राजकुमार पधारो हमारे द्वार। मुझे लग रहा है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जिनमें राजनीतिक नौटंकी से बचा जाना चाहिए, और खैर अब उनकी अपनी मर्जी है, तो सफाई मित्रों का सम्मान हुआ है और उसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के दलीय आधार पर नहीं हुआ है, ये नगर निगम के द्वारा हुआ है। निगम आयुक्त जी उस कार्यक्रम की आयोजक थी, नगर निगम का अमला उस कार्यक्रम का आयोजक था, जिला प्रशासन उस कार्यक्रम का आयोजक था, तो जिस भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग गए, हमारे घर भी कोई पीले चावल देने थोड़ी आया था, हमें लगा कि सफाई मित्रों का सम्मान जाना चाहिए तो हम गए। अब संजू बाबा का अहंकार अपनी जगह, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। जयराम जी की भारतीय जनता पार्टी में ही कार्यक्रम इसलिए हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इन सब तरह के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करती है, भागीदारी करती है। हम पीले चावल नोतने का इंतजार नहीं करते, हम बुलबे का इंतजार नहीं करते, हम इस बात का इंतजार नहीं करते कि हमारे दरवाजे पे कोई कंकु पत्रिका रख के जाएगा और कहेगा कि पधारो तो जाएंगे। हमारे जो जनप्रतिनिधि हमारे जो नेता हैं उनको लगा कि सफाई मित्रों का सम्मान समारोह हो रहा है जाना चाहिए, वो स्वेच्छा से चले गए। संजय बाबू आते तो और 4 चांद लगते, अब वो नहीं आए तो उनकी मर्जी।